कल जो मैं गाँव पहुंची हाँ तो बहुत ज़्यादा रास्ते तबीयत खराब हो गई क्योंकि साढ़े को इन्नी मतलब सर्दी नहीं महसूस होंगी, इतने काफ़ी सर्दी सी। जो मैं गड्डी बाहर निकली हाँ ठंडी हवा लगी तो कल का पहले भी तबीयत खराब सी, लेकिन जुकाम वगैरह हो गया तो बुखार जहा वा, इस करके फिर मैं कोई कल व्लॉग नहीं बना सकी। तो पता नहीं शायद जैन के पापा ने अपलोड किया नहीं तक मेरे मोबाइल का, मैंने नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अमेरिका दी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो निजात दे। ऐसे प्यारी जी दवा नलाज का व्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करते पहले छोटी जर्ज करते हैं जेहड़े मेरे भैन भी सारे नवे जिन्हें साड़ा साजदा प्रवीन चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भैन भैया को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी जिमें कि मेरे भैन भैया ने पता वा कि मैं दसा जी कि मैं गाँव आना वा, मैं गाँव आई हुई हाँ। तो उतो जैन के पापा ने सुबह मैं आके बिठा दिता सी गड्डी ते अगो मेरे भरा बिलाल ने लै लिया मैनू, लैके बिलाल फिर आराम आराम ना घर आ गया सीगा। घर आई हाँ तो आंदा जी मैं गड्डी चो बाहर निकली हाँ ठंडी हवा पई है तो तबीयत थोड़ी जी अपसैट सी, इस करके वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी मैं तो ना कोई बना सकी हाँ। तो हूँ मैं उठी हाँ सुबह का टाइम आ उठी हाँ तो मैं क्या चलो मैं अपना जो ब्लॉग अपने भैन भरावान शेयर करा तो अपना जोड़ा सी जो नाश्ता करा जो अज का ब्लॉग हो अपने भैन भरावान अं लाजमी शेयर करा, साढ़े भैन भरावान ने साढ़े नाल जुड़े रहना, साड़ी प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि जो इतों दिल टीना मैं अपने भैन भरावान शेयर कर सकता। तो नाश्ता बना रही है जी तारा और जुलकरनैन, तो अजान जड़े ने इन्हों फिलहाल दुकान पर भेजा वा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है शोर कर रहे थे। आयत फातमा भी बच्चे छोटे है जोड़े गाँव के देहाती बच्चे टाइम ना उठ जाते उन्होंने नाल, फिर जुलकरनैन भी अजान भी जल्दी उठ गए तो इस करके हले हमजा जोड़ा वा उस हल सुता पे वा तो असी तारा बना रही नाश्ता तो उन्होंने बहर भेजा वा चलो कि शोर ना पा। तो उन्होंने आने तो पहले पहले मैं चलो मैं अपनी जो भी वीडियो का मेरा ब्लॉग है मैं शेयर कर ला, तो जो भी अज का ब्लॉग होएगा मेरे भैन भरावान ने मेरे नाल रहना जो भी अज का ब्लॉग होएगा शेयर करा। माशाल्लाह जी इन्होंने सब्जी लाई हुई है, जबरदस्त माहौल होया पाया माशाल्लाह। मामू आ गया लगता है शोर पा रहे की आई बिरयानी कितों कौन लैके आया? पापा लैके आया दिखा छापर आदे जी पापा ए बिरयानी लैके आया वा हूँ फटाफट अंदर नठिया इन्हें। मलाका बेटी चाय बना रही है और दूध गर्म कर रही है मेरे वास्ते, पुत ये पानी पा के ना तो जरा पत्ती पा के चाय बना ली थोड़ी जी ठीक है ना, वो दुध ढक के ला दे ठंडा होएगा तो फिर मैं पीवगी ठीक है ना, ये दुध मैं पीवगी तो क्योंकि मैं दवाई खानी हूँ इस करके ना दुध गर्म करके निकाल दिया वा। मलाका आइसमिन मिलने वास्ते क्यों मैं उधर नहीं गई तो फिर इधर ही आइसमिन मिलने वास्ते ना, तो मैं क्या चलो इधर ही आके बच्ची मैंने मिल गई है। चाय बन लगी जी चाय बना रही है फिर मलाका चाय लैके आएगी चाय पिलाऊगी सानू। चूल्हा चलता पैंता लो जी साड़ी शहजादी मलाका और बिलाल दी फ्रिज पई हुई है, जो बिलाल ने इस साइड से बना लिया पता नहीं इन्होंने लिया के रखे हुआ कहते ये तो छत पानी इस बाथरूम से इन्होंने सीमेंट भी तो भी लिया के रखे हुआ वा ए बाथरूम से छत पागे, मैं कहीं थोड़ा उच्चा करके फिर भी एपी करके छत पायो घर माशाल्लाह इन्होंने बहुत प्यारा बना लिया, लेकिन ना खलारा बहुत प्या होया हाले नु कलर करे रंग करे तो फिर तैयारी करे बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बन गए। तो मैं बैठी सी तकिया रख के एक कुछ मैं घरों लैके आई हाँ, सीढ़ी बहुत जबरदस्त होगी माशाल्लाह। लाजी बिलाल भी आ गया माशाल्लाह, वालेकुम सलाम आ गया शहरों हो गए बिरयानी ऐत फातमा के हाथ फड़ाई बड़ी खुश हो गई है मेरा पापा बिरयानी लैके आया। अच्छा बिलाल शहर गया कोई कम से पता नहीं शायद तो शहरों आया वा, अपने तू चाह पीनी है मलैका बना रही मलैका अपने मामू ने दे पुत घुट हाँ थोड़ा जहा जरा कुछ होर पानी पा ला पानी पी रही ऐत फातमा। अली हमजा देखो जी माशाल्लाह अली हमजा अली हमजा शहजादे शिदकी जावा देखो दोनों भैन भरावान का प्यार सुबह सुबह रेज खा रहे ने सलाम बुलावा ओए वाह वाह मेरी शहजादी बेटी मेरी बड़ी क्यूट बेबी है बुलाने माशाल्लाह सीढ़ियाँ लग गई हैं ग्रिल लग गई है सीढ़ियाँ बहुत प्यारा माशाल्लाह। हाँ जी बेटे
मैं मेरी बेटी मेरे को मुल्तान आना बिस्मिल्ला मेरे नाल ही चली मैं खेलूंगी। चलो ठीक हो चलो जी मैं नाश्ता कर ला हलिया मजा तैयार किया वा इन्होंने नहाया वा ये किन्ने खुश बच्चे माशाल्लाह फिर दे कपड़े पाने चाहिए गर्म ना। हाँ जी देखो इन्होंने किन्ने खुश है बच्चे माशाल्लाह। हाँ जी नाले अपना थोड़ा जा बाहर दा इलाका हो जाता ना आप एक साइड ते रहने गांव दे एक एरिया च ते बिलकुल नाल जमीना वा इस करके ठंड ज्यादा वा। चलो फिर है ना तुसी इन्हें दुध पिलाओ इन्हें सुला दो ठीक है ना माड़ा बैड चार दो फिर मैं ले लूंगी अम्मी मैं छिदके जावा ली हमजा इधर देख इधर देख नहीं कितने मेरा सोना नहीं मेरा सोना शहजादा नहीं अली हमजा सोना मिठा बहुत प्यारे बच्चे अल्लाह पाक तंदुरुस्त बड़ा प्यार खिंचते मैं ही कल दे बहुत खुश ने फातिमा देखो कितनी खुश है। घर में बनाए थे चावल और जैन साहब ने जी मुकाबला लगाया बच्चों के साथ देखते हैं अभी ज़्यादा कौन खाता है तो बाकी बच्चों को तो मिले प्लेट में चावल। जैन साहब ने क्या किया जी जैन साहब ने पूरी परात उठा रही कहता जी मैं तो खूंगा परात में मिला। हाँ जी कहता मैं तो खूंगा परात में क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा खाने हैं। क्यों ज़्यादा खाने हैं आज तो बस बेटे ने बनाए थे चावल और चावल बहुत ही मज़ेदार हाँ जी बहुत ही मज़ेदार और यमी बने हैं इसलिए जनाब उसने जनाब पूरा पतीले उठा लिया। हाँ भाई जैन कैसे लगे चावल फिर? बहुत अच्छे लगे वाह भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी बच्चों ने भी चावल वगैरह खा लिए हैं सब बच्चे अपने अपने काम में मसरूफ हैं। तो बस हम बेटा भी चाय पी रहे हैं निदा बेटी भी चावल खा रही है अलीजा अपना काम कर रही है और रिदा फातिमा जो है वो पानी पी रही है माशाल्लाह। तो मैंने तो बस बेटे को कहा मैंने कहा ऐसा करो चाय बना दो तो वो कहता है मैं तो अभी चावल खा रहा हूँ। तो आप ऐसा करें निदा बेटी को कहें निदा बेटी जो है ना वो चाय बना देती है। तो निदा बेटी बना रही है किचन में चाय तो अभी चाय लेके आते हैं वो भी ऐसे हम अपने फैमिली में से शेयर करते हैं और कि निदा बेटी ने चाय कैसे बनाई है। चाय निदा बेटी ले आई जी मेरे लिए माशाल्लाह पति तेज और चाय जी मज़ेदार माशाल्लाह। तो अभी चाय पीते हैं मैंने कहा ये चाय और जैन साहब की जो है जिस चाय से चावल खा रहा है टेस्टी चावल तो मैंने कहा चलो ये भी अपने बहन भाइयों से शेयर कर लें। तो ये थी हमारी रूटीन जो तो बाकी ये रूटीन जो बाकी वीडियो थी वो बेगम साहब ने भेजी थी हमें मुझे वहाँ से क्योंकि वो गई हुई हैं फतेहपुर कुछ वीडियो कम हो रही थी मैंने कहा चलो बाकी का जो हिस्सा है वो हम पूरा कर देते हैं वो अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इजाज़त अपने बहन भाइयों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।